आज के क्लास में हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर को सॉल्व करेंगे सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और ये सवाल गेट बीएम 2024 में पूछे गए थे सबसे पहले आप सारे के सारे सवाल बनाना फिर मेरे सोल्यूशंस को देखना विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स तो सबसे पहला सवाल आपके सामने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से वीडियो को पॉज कीजिए खुद से ट्राई कीजिए फिर जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है न्यूमेरिकल मैथड से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पर कुछ बच्चे ही सही बना पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से नेक्स्ट क्वेश्चन है फूरियर सीरीज से जो काफ़ी लेंदी सवाल है अच्छे से आपको सॉल्व करना पड़ेगा कहीं से मिस्टेक ना हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ईजी आइगन वैल्यू से ट्रिक आता है तो देख करके आंसर बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ये सॉल्व करना पड़ेगा दो मेथड है देखते हैं आप कौन सा मेथड यूज करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से तो अगेन ये बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन है सो बेस्ट क्वेश्चन ऑफ गेट बी एम इन दी एंटायर पेपर ये टॉपर के लिए सवाल बना है नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर इंटीग्रेशन से इजी है बन जाएगा जल्दी से और इसी के साथ कहानी हो जाती है समाप्त अगर आपने सारे के सारे सवाल वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किए हैं तो फिर ये सोल्यूशन देखना तभी तो प्रैक्टिस का सेंस बनता है नहीं तो प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा चलिए तो सबसे पहला सवाल वॉट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल काउंटर क्लॉक वाइज काउंटर क्लॉक वाइज यानी कोई चेंजेस करना नहीं है स्टेप्स में जो पड़ा है उसी का इस्तेमाल करना है तो ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या है आपको ए बी सी या डी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऐसा क्यू थ्री स्टेप प्रोसेस है पहला स्टेप है सिंगुलैरिटीज़ निकालो दूसरा है क्या वो सिंगुलैरिटीज़ इनसाइड दी कॉन्टूर है अगर हाँ तो रेसिड्यू फाइंड करना है और अगर ना तो रेसिड्यू ज़ीरो है तीसरा पता ही आपको क्या आंसर इज इक्वल टू टू पाई आई सबिशन ऑफ रेसिड्यू डन एंडेड कितने सारे सवाल हमने इस पर बनाए हैं तो चलिए सबसे पहले सिंग्लैरिटीज फाइंड करते हैं सिंग्लैरिटी फाइंड करने के लिए जो स्टेप है वो है डिनोमिनेटर को जीरो बनाना है अगर डिनोमिनेटर को जीरो रखे तो जेड इंटू जेड माइनस टू इंटू जेड माइनस फोर दैट इज इक्वल टू जीरो यानी z इज इक्वल टू जीरो टू फोर ऐसे तीन सिंग्लैरिटीज मिले और ये है तीन सिंपल पोल अब क्या ये पोल इनसाइड दी कॉन्टूर है या आउटसाइड दी कॉन्टूर तो कॉन्टूर क्या दे रखा है कॉन्टूर दे रखा है मॉड जेड दैट इज इक्वल टू थ्री कैसे पता चला ये देखो यहाँ पर लिखा गया है मॉड जेड दैट इज इक्वल टू थ्री तो मॉड जेड दैट इज इक्वल टू थ्री इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक सर्कल है सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन रेडियस है थ्री तो ये देखो सेंटर है ओरिजिन रेडियस है थ्री और हमारे जो सिंगुलैरिटीज़ है वो सिंगुलरिटीज यानी पोल एक ज़ीरो पर था एक हमारा टू पर था और एक हमारा फोर पर था ये आउटसाइड दी कॉन्टूर हो गया इसलिए रेसिड्यू ऑफ दी फंक्शन एट जेड इज इक्वल टू फोर इज ज़ीरो इनसाइड हो गए कंटूर के तो रेसिडियोज फाइंड करने पड़ेंगे ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं रेसिडियो ऑफ द फंक्शन एट जेड इज इक्वल टू जीरो को फाइंड करते हैं इसको फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट इन टू एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड हमारा पूरा का पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा तो पूरा फंक्शन लिखिएगा एट बाई z इंटू जेड माइनस टू इंटू जेड माइनस फोर चीज़ें कट रही है z माइनस जीरो z कट रहा है अब कीजिए डायरेक्ट सब्सिट्यूशन तो सब्सिट्यूट कर लेने पर ये बन रहा है एट बाई ज़ीरो इंटू उप्स जीरो तो नहीं वो z तो कट गया था तो ये हो जाएगा जीरो माइनस टू इंटू ज़ीरो माइनस फोर एट बाई माइनस एट ये बन रहा है उप्स नॉट माइनस एट ये है प्लस एट सो एट बाई एट ये बन रहा है वन तो रेसिडियो ऑफ दी फंक्शन एट z इज इक्वल टू जीरो हमको आ गया वन अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोल पर रेसिड्यू निकालते हैं रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट इज इक्वल टू टू इज माइनस सेम कहानी यहां पर करनी है जेड माइनस टू जेड माइनस टू कटेगा अब सब्सिट्यूशन करो टू गेट दंसर आंसर आंसर आ जाएगा माइनस टू ठीक है तो यहां पर रेसिड्यूज मिल जाने के बाद हम कहेंगे दी फाइनल आंसर इज टू पाई आई रेसिड्यू सो so, यहां पर आंसर आ रहा है टू पाई आई पहला था वन दूसरा था माइनस टू एड कर लेने पर आंसर आ रहा है माइनस टू पाई आई ठीक है अब यहां पर आई की जगह जे कहा गया है नेवर दिलेस एक ही चीज होती है यानी आयोटा सो so, ऑप्शन बी करेक्ट है याद रखना है ये थ्री स्टेप प्रोसेस पोल को निकालो चेक करो रेसिड्यू निकालो समिशन ऑफ रेसिड्यू डन चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं टू सॉल्व दी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू टू कॉज एक्स यूजिंग एनआर मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इटरेशन शुड बी यूज बहुत ही सिंपल सवाल था द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऐसा क्यूँ चलिए देखते हैं सबसे पहले हमको पता है एनआर मेथड के अंदर हमको फंक्शन और उसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है ठीक है तो फंक्शन क्या था तो देखो यार इक्वेशन दे रखा था एक्स इज इक्वल टू टू कॉज एक्स तो जनरली स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं या इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं है? ऐसा नहीं है मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लास में बताया था इसको रीअरेंज करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर्म में फिर जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपका एफ ऑफ एक्स होगा तो जब आपने इसको रीअरेंज किया एक्स माइनस टू कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो तब आप कहोगे कि जो अब मेरा एफ ऑफ एक्स है वो है लेफ्ट हैंड साइड यानी एक्स माइनस टू कॉस एक्स तो इसका डिफरेंसिएशन कितना होगा इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वन प्लस टू साइन एक्स ठीक है तो एफ़ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स आ जाने के बाद एन आर मेथड ये कहता है दैट आपका जो एक्स एन प्लस वन है वो होता है एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन ठीक है तो एक्स एन माइनस यहाँ पर एफ़ ऑफ एक्स तो पता है एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स एन से सो एक्स एन माइनस टू कॉस एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स पता है रिप्लेस कर दो एक्स को एक्स एन से तो वन प्लस टू साइन ऑफ एक्स एन ये आपका आंसर आ गया अगर हम चेक करें अब ऑप्शन के अंदर तो यहाँ पर ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया है ऐसी चीज़ें रखी गई है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में वन प्लस टू साइन होना चाहिए वन प्लस टू साइन वन प्लस टू साइन तो जहाँ पर नहीं है उसको काट दो तो हम देख सकते हैं कि इसमें नहीं है इसमें नहीं है तो काट दिया अब और क्या चीज़ें है माइनस एक्स एन होना चाहिए था तो यही यही पर है इधर प्लस एक्स एन है तो ये गलत है चेक कर लो देखो माइनस एक्स एन होना चाहिए था जो हमारा ऑप्शन ए में सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इजी चलिए आगे बढ़ते हैं वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस ऑफ बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को देखते हैं ग्रुप ऑफ फोर पीपल वर रिसाइडिंग टुगेदर व्हेन अ न्यू वायरस वाज डिटेक्टेड इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पर्सन बीइंग इन्फेक्टेड इज 0.1 पॉइंट वन देन दी प्रोबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम आर इन्फेक्टेड इज डैश गिव यू आर आंसर राउंडेड ऑफ टू थ्री डेसिमल प्लेसेस तो सबसे पहले तो ये एन क्वेश्चन है और जैसे मांगा गया है उसी हिसाब से आंसर देना है नहीं दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा पहली बात दूसरी बात इसको सॉल्व कैसे करें इसको सॉल्व कैसे करें अगर ध्यान से देखो तो हमेशा ऐसे चीजों में बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला फोकस रिक्वायरमेंट पर होना चाहिए रिक्वायरमेंट क्या है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम इज इनफेक्टेड तो यही मेरा रिक्वायरमेंट है दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम इज देफेक्टेड ये मेरा रिक्वायरमेंट है अब यहाँ पर ध्यान से रिक्वायरमेंट को समझना नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज हो गए थे कि सर जी एटलीस्ट टू ऑफ देम इज़ इन्फेक्टेड का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो दो या दो से ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो केसेस बनेंगे कि के दो इन्फेक्टेड या फिर तीन इन्फेक्टेड या फिर चार इन्फेक्टेड आगे मत बढ़ जाना क्योंकि ग्रुप हमारा चार का ही है तो मैक्सिमम चार ही इन्फेक्टेड हो सकते हैं ठीक है अब इसके आगे दो इन्फेक्टेड इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप में चार लोग थे दो इन्फेक्टेड थे तो बाकी दो कैसे थे नॉट इनफेक्टेड तीन इन्फेक्टेड का मतलब क्या हुआ ग्रुप में चार थे तो तीन इंफेक्टेड बाकी एक नॉट इन्फेक्टेड और फिर फोर्थ वाला तो समझ ही आ गया कि चारों के चार इन्फेक्टेड तो ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया आ रहा है इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड दो ही प्रॉबलिटी है पर्सन आपस में इंडिपेंडेंट है तो ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है तो आइदर आप ऐसे जा सकते हो के केस वन प्लस केस टू प्लस केस थ्री तीनों की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पर ये तीन केसेस को सॉल्व करने से अच्छा दो केस को ही सॉल्व करो दो केस वो कैसे सर जी कॉम्प्लीमेंट लॉजिक जब भी हमारे पास एटलीस्ट वाला सिनारियो आता है तो मैंने क्या समझाया था कॉम्प्लीमेंट में जाना तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है सो दिस इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा के जीरो इन्फेक्टेड या वन इन्फेक्टेड ठीक है तो हम कहेंगे जीरो और वन इन्फेक्टेड अब इसको स्प्लिट करके इनके प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इन्फेक्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इन्फेक्टेड ठीक है चलिए तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको समझना पड़ेगा दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे जाना है सबसे पहले तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या हुआ कि चार लोग थे और कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है हाँ जी चार लोग हैं और जीरो इन्फेक्टेड सो बेसिकली एवरी पर्सन इज नॉट इन्फेक्टेड तो क्या हमको पता है नॉट इन्फेक्टेड की प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टेड इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इन्फेक्टेड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन सही बात है

है, अब x इज इक्वल टू वन की कहानी क्या इतनी सरल होगी नहीं जी x इज इक्वल टू वन की कहानी के अंदर हमको यह कहना पड़ेगा कि एक इन्फेक्टेड है और बाकी तीन नॉट इन्फेक्टेड है इसलिए जो फॉर्मूला है वो है एन सी एक्स पी का पावर x q का पावर n माइनस एक्स जहां पर चार लोग ग्रुप में थे एक इन्फेक्टेड था इन्फेक्टेड की प्रोबेबिलिटी 0.1 है और एक ही पर्सन ऐसा है नॉट इन्फेक्टेड हमारा क्यू है सो so उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 और ऐसे कितने पर्सन थे 4 माइनस वन यानि तीन पर्सेंट नॉट इन्फेक्टेड थे ये देखो समझ में आया और अगर समझ में आया तो अब इसका आंसर हमको मिल जाएगा ठीक है जी तो इसको अब आगे लेकर चलते हैं इसको हम बक्से में डाल देते हैं ठीक है कि okay, इस प्रकार से हमने चीज़ों को फाइंड किया वैसे फोर सी वन फोर होता है बाकी तो आप कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेशन कर ही सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो अब आते हैं आंसर पर तो ये हमारा आंसर आंसर इज इक्वल टू वन माइनस इस वाले का आंसर जो आ रहा है जीरो पॉइंट नाइन का पावर फोर विच इज़ ज़ीरो पॉइंट सिक्स फाइव सिक्स वन इसका आंसर जो यहाँ पर है कैलकुलेटर में पुट करने के बाद 0.2916 आ रहा है एंड सिंपलीफाई कर लेने के बाद 1 माइनस जीरो पॉइंट विच इज इक्वल टू 0.052 ये अप टू थ्री डेसिमल तक ही हमने छोड़ा है जैसे रिक्वायरमेंट था तो वो ध्यान से देखना कम ज्यादा करोगे तो फिर बाद में मार्क्स नहीं मिलता है तो काफी अच्छा सवाल था ना

राउंडेड ऑफ़ टू नियरेस्ट इंटीजर तो दो चीज़ें एक तो परसेंटेज और राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं सबसे पहला पॉइंट तो आपके कंसेपचुअल क्लैरिटी का है मेन ज़ीरो एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वन ये क्या है ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी है सो फर्स्ट पॉइंट था कि ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर चल रहा है हमारा वेरिएबल जेड है दूसरा यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो है

आपको याद होगा मैंने कंसेप्चुअल क्लास में आपसे क्या कहा था कंसेप्चुअल क्लास से कहा था कि z डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको तीन वैल्यूज़ बाय हार्ट करने हैं माइनस वन से वन की प्रोबेबिलिटी माइनस टू से टू की प्रोबेबिलिटी माइनस थ्री से थ्री की प्रोबेबिलिटी क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ये वैल्यूज़ देते नहीं है क्वेश्चन में तो देखो यहाँ पर ऐसा ही हुआ तो अगर आपने बाय हार्ट कर रखा है तो फिर आप ये सवाल बना लोगे नहीं बाय हार्ट किया है तो दिक्कत होगी तो बेसिकली हमको चाहिए माइनस टू से टू की प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर है 0.9545 ठीक है ये हमारी प्रोबेबिलिटी है माइनस टू से टू अब देखो जब कोई आपसे ये कहता है कि फाइंड कीजिए P ऑफ Z इज ग्रेटर देन टू तो यानी ये वाला रीजन है ना ये फाइंड करना यार ये तो हमको पता नहीं है पर हमको ये ज़रूर पता है कि ये फाइंड करने के लिए हम कहेंगे कि अगर आपको ये रीजन चाहिए ना देन इट इज़ इक्वल टू कंप्लीट येलोइ रीजन माइनस माइनस दिस ब्लैकिश रीजन सही बात है येलोइश रीजन माइनस ये जो मैंने ब्लैकिश रीजन यहाँ पर शेड किया है अगर इतना कर लूँ तो ये जो आपका वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा ये बेसिक जोमेट्री है अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करें फिर सर जी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कहना है दिस इज इक्वल टू पी ऑफ अब ये जो रीजन है ये z ग्रेटर देन जीरो ठीक है ये जेड ग्रेटर देन ज़ीरो माइनस पी ऑफ ये वाला रीजन जो है z ग्रेटर देन जीरो लेस देन टू ठीक है अगर ऐसा करोगे तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा p ऑफ z ग्रेटर देन ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट फाइव होता है ये वाला ये वाला कैसे निकाले अगर माइनस टू से टू अगर माइनस टू से टू अगर ये पोर्शन आपका जीरो पॉइंट नाइन फाइव फोर फाइव है तो इसका आधा करोगे इसका आधा करोगे तो ये वाला मिल जाएगा क्यों मिल जाएगा क्योंकि ग्राफ सिमेट्री है इसलिए मिल जाएगा तो 0.9545 डिवाइड बाई टू करेंगे और यहाँ पर हमको आंसर आ रहा है 0.022 और इनको परसेंटेज में चाहिए सो परसेंटेज पी ऑफ जेड ग्रेटर देन टू इज इक्वल टू कितना परसेंटेज हुआ अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें तो टू पॉइंट टू परसेंटेज होता है बट इनको कैसा चाहिए नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ़ चाहिए ठीक है इनका इंटीजर राउंड ऑफ़ की कहानी सो so टू पॉइंट टू को हमने टू कह दिया सही बात तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आ जानी चाहिए कि ये चीज़ इनकी रिक्वायरमेंट की थी ठीक है और हमने एक टर्म तो फाइंड कर लिया अब ये दूसरा टर्म कैसे फाइंड करे सिमेट्री की कहानी है सिमेट्री की कहानी में ये होता है जितना एरिया यहाँ पर है उतना ही एरिया यहाँ पर है देरफोर सिमिलरली प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये कहेंगे दैट परसेंटेज पी ऑफ जेड इज लेस देन माइनस टू इस सेम एज परसेंटेज जेड इज ग्रेटर देन टू ठीक है तो वो कितना है टू परसेंट अब बस अब आपको ऐड करके आंसर ही तो कहना है देर फोर आंसर इज इक्वल टू टू परसेंट प्लस टू परसेंट दैट इज इक्वल टू फोर परसेंट सो द करेक्ट आंसर इज फोर ठीक है ये आपका आंसर है द करेक्ट आंसर इज फोर जो है आंसर एज अ परसेंटेज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर याद रखना सिर्फ प्रोबेबिलिटी से लेना देना नहीं था परसेंटेज से लेना देना था तो हमने परसेंटेज के हिसाब से आंसर कहा है क्लियर हो रही है ये बात चलिए तो अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर एक तो परसेंटेज इंटीजर राउंड ऑफ भी था और दूसरा ये वैल्यू अगर बाय हार्ट नहीं की है तो ये सॉल्व नहीं होता चलिए आगे बढ़ते हैं एक और कठिन सवाल को देखते हैं अब ये सवाल है फूरियर सीरीज से जो कैलकुलस के अंदर एक हल्का सा फूरियर सीरीज लिख देते हैं जबकि ये ट्रांसफॉर्म थ्योरी का पार्ट है और ट्रांसफॉर्म थ्योरी करके कोई चैप्टर अलग से मेंशन नहीं किया आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ दीरियॉडिक फंक्शन इन दी फिगर से देखना चलो तो सबसे पहले अगर ये फाइंड करना होता है तो ग्राफ एनालिसिस हम करेंगे ग्राफ एनालिसिस चलिए करते हैं कि यहाँ पर फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकालना है ये देखो यूनिक 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 यहाँ तक ये क्योंकि फिर उसके बाद तो सेम हो जाएगा ना अगर मैं यहाँ से ट्रेस करूँ और अगर ऐसे रेड देखूँ तो वही रेड की चीज रिपीट होते हुए आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से हाँ अगर रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इतना ही यूनिक है और जितना यूनिक है उधर से ही फंडामेंटल टाइम पीरियड मिलता है अब चेक करो वन उसके बाद ये टू होगा फिर ये थ्री है फिर फोर फाइव तो अगर ऐसे है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस वन का तो माइनस वन से लेकर के थ्री कितना हुआ गैप ये एक दो तीन चार चार का गैप हुआ ऐसे भी कर सकते हो या थ्री माइनस ऑफ माइनस वन सो थ्री प्लस वन फोर तो ये हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड फोर आ गया जब फंडामेंटल टाइम पीरियड फोर आ जाता है तो दूसरी बात भी आप कर सकते हो कि ओमेगा नॉट क्या होता है टू पाई बाई कैपिटल टी सो टू पाई बाई टी की जगह फोर तो ये आ गया पाई बाई टू ये हो गया अब एक और चीज़ है जो आपको यहाँ पर देखना है कि ग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है ठीक है सो so ये मेरा थर्ड पॉइंट है तो मैं थर्ड पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में ही लिखना चाहूंगा कि हमारा जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बिहेव कर रहा है कि एक्स ऑफ टी क्योंकि हमने चीज़ें एक्स एंड टी में पढ़ी है सो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन पर कौन से रेंज में ध्यान से देखना ये जो मेरा सेकेंड है मैंने उसको टी वेरिएबल अज्यूम किया है और फंक्शन मेरा एक्स ऑफ टी है तो एक्स ऑफ टी मेरा वन है जब मेरा टी का रेंज है माइनस वन से वन और एक्स ऑफ टी मेरा माइनस वन है जब टी का रेंज है वन से थ्री सही बात तो यहां पर हम ये कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू वन है जब मेरा टी का रेंज है माइनस वन से वन और जब टी का रेंज वन से लेकर के थ्री हो जाए तो फंक्शन हो जाए माइनस वन ठीक है तो ये डेटा को फिलहाल मैंने लिखा है फंडामेंटल टाइम पीरियड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंक्शन का बिहेवियर अब आगे बढ़ना है अब आगे बढ़ना है जब ये फंक्शन को देखा कि ईवन फंक्शन आ रहा है दिमाग में या और फंक्शन ऑब्वियस ऑबियसली बात है सर जी ये ई वन फंक्शन है क्योंकि मिरर की कहानी है ये देखो ये वाला मिरर किया तो ये मिलता है इसको मिरर किया तो ये मिलता है इसको तो मिरर किया तो ये मिलता है तो ये मिरर की कहानी चल रही है अगर मिरर की कहानी चल रही है तो फंक्शन हमारा ईवन है अगर फंक्शन हमारा ईवन है तो क्या ट्रिक मैंने समझाया था तो यहाँ पर अब सॉल्यूशंस पर जाना है तो हमारा ई वन फंक्शन है सो ई वन फंक्शन होने के कारण ए नॉट ए एन ही फाइंड करना है बी एन हमारा जीरो हो जाता है पर ये बी एन की कहानी पूछ भी नहीं रहे थे ए वन बाई ए थ्री ये ए एन से ही आता है तो बेसिकली एन को ही फाइंड करना है तो कोई चॉइस नहीं है आंसर जीरो वीरो है नहीं ठीक है तो सॉल्व करना पड़ेगा इसलिए क्वेश्चन टफेस्ट बन जाता है चलो ये टफेस्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं बहुत सारे टफेस्ट क्वेश्चन थे ये भी एक लेंदी है फिर एक इंटीग्रेशन वाला भी मैंने कहा कि आगे एक लेंदी सवाल आएगा तो अच्छा पेपर था ठीक है तो चलिए अब यहाँ पर ए एन को फाइंड करने के लिए टू बाई टी इंटीग्रल वन साइकिल एक्स ऑफ टी cos ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी तो यहाँ पर टी हमारा कितना है चार